सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि तू माँ बनने वाली है, लेकिन तेरे ससुराल वालों के चेहरों पर मैंने वो खुशी नहीं देखी जो होनी चाहिए थी। नहीं दी, सब बहुत खुश है। मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आपकी वाइफ एबॉर्शन करवाए। क्या क्या समझ के रखा है तूने? हम कोई उठाई गिरे हैं जिसे जहां चाहा जैसे चाहा हमारी इज्जत उछाल के रख दी? अरे इतनी तकलीफ थी तो शादी क्यों की तूने? रहती ना उसी के साथ जाके जिसका पाप। हमारे दादा ना आए गए दिन चैरिटी करते रहते हैं, और वैसे भी उनका दिल बहुत बड़ा है, तो वो आपको इस पाप को पालने के लिए डेफिनेटली पैसे दे देंगे। गलती मैंने की है, सुधारूंगी भी मैं ही। नहीं चाहिए मुझे मेरे गिरीश के लिए इतनी चरित्रहीन पत्नी। तुझे आजादी चाहिए थी ना, तो जा, आजाद करती हूँ तुझे इस शादी से मैं, और तोड़ती हूँ हर रिश्ता इस घर से तेरा। मैं जा, निकल जा इस घर से। प्लीज पिशिमा, कुछ नहीं बोलेंगी। अब क्या बोल रही है पिशिमा? अब सब कुछ सुन रही है बॉबी। क्यों? तुझे नहीं पता इस लड़की ने क्या क्या गुल खिलाया इस घर के अंदर? तुम मत आ बीच में। मैंने सब सुन लिया पिशिमा। और बहुत ही आप ये सब कुछ क्यों कर रही है? तुम कमरे में जाओ तारा, मैं सब कुछ संभालूंगी। नहीं बहुती, अब सब संभालेंगी। यही बोलकर मुझे ऐसे भेजा था ना आपने? और मैं भी स्वार्थियों के कोलकाता तक चली गई। लेकिन बहुती, अब बात आपकी शादी टूटने की आ गई है, जो मैं कभी नहीं होने दे सकती, कभी भी नहीं। तारा तो कुछ नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं, तुझे मेरी कसम है। नहीं बाबी, आज सारी कसमें सारे वादे टूट जाने दो। अगर मैं अभी भी चुप रही ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी बोधी। ये सारे लोग आपको शक की नजरों से देख रहे हैं, हर कोई आप पे इल्जाम लगा रहा है। सिपाही बोधी क्या क्या नहीं बोल रही है आपको, आप सबको सुनी जा रही है। सारी गलती मैंने की है। छोड़ दीजिए वो। माँ, मैं बनने वाली हूं। आजी माँ बोली सिर्फ मेरे को बदनामी से बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। आई एम रियली सॉरी बोली, मैं आपका प्रॉमिस तोड़ रही हूँ। रिश्ता तोड़ देंगे जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। उसे बचाने के लिए कह रही ना ये सब? नहीं कुशिमा, यही सच है। भावती की चुप्पी की वजह भी यही है।
मैं आप सब लोगों को सच बताती हूँ। तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो गया? मैडम, आपके प्रेगनेंसी टेस्ट की तैयारी हो चुकी है, आइए। तारा, पेशेंट का नाम? मिसेस आशिमा राय चौधरी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तारा, तारा रोने से कुछ नहीं होगा, गलती तो तुमसे हो गई है, वो भी बहुत बड़ी गलती। लेकिन यहाँ अपनी पहचान बता के इस गलती की सजा तुम उनको और पूरे परिवार को नहीं दे सकती। तारा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे माँ बनने पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन अगर किसी को तुम्हारे कुंवारे माँ बनने की खबर भी हो गई तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो सकता है। तारा, मोदी, I'm really sorry, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही तुम्हारा प्राश्चित है। तारा, मैं डॉक्टर के पास गई थी अबॉर्शन करवाने, लेकिन डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर बॉडी को मना कर दिया। मैं तो खुद इस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन बाउदी ने सब करने के लिए मुझे मना कर दिया, कि इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है और मुझे कोलकाता के बड़े डॉक्टर के पास भेज दिया। मैंने इतना बड़ा पाप किया, मेरी बहुती मुझे मरने नहीं देना चाहती थी। पर इस बच्चे का बाप है कौन? अभी जी, वो जो बच्चों को यहाँ पढ़ाने आते हैं, मेरे कॉलेज में प्रोफेसर है, और मैंने उसे कहा था यहाँ पिटीशन पढ़ाने के लिए ताकि वो आप सब लोगों का दिल जीत सके। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत अच्छा लड़का है। हमें सब खत्म कर दिया। यही दिन दिखाने के लिए इन बच्चों को मैंने पाल पोस के बड़ा किया कि
बड़े होकर मेरे मुंह पे कालिख मले। शर्म आती है मुझे कुछ बतारा, शर्म आती है। आशिमा मैं इसकी हालत बहुत नाजुक है। होने दे आशिमा, होने दे, नहीं पालना हमें इसका। तू भी कम दोषी नहीं है, ये बात छुपा के ना बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी इस दोष। तुझे हमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी आशिमा, बहुत गलत किया तूने मेरे साथ में, बहुत गलत किया है। पिशिमा आप इसे क्यों दोषी ठहरा रही? आज इसने जो कुछ भी किया इस परिवार के लिए किया, परिवार की इज्जत को बचाने के लिए किया। अगर आज कोई गलत है या कोई दोषी है तो केवल तारा दोषी है। आशिमा ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, मेरा ही कसूर है, बोधी की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। बाकी को तो पता भी नहीं था मेरे और अभिजीत के बारे में। वो बहुत अच्छा लड़का है। रिश्ता प्लीज एक बार मिलके तो देखिए प्लीज। हमें रिश्ते से बहुत प्यार। चुप, यूं बस करो। एक शब्द नहीं सुना मुझे तेरे मुंह से उस लड़के के बारे में। खबरदार, जो उसका नाम लिया तो जबान खींच के रख दूंगी तेरी। अब जो फैसला होगा वो मैं लूंगी। देखता हूँ कौन रुकता है मुझे। इसके कमरे में लेके जा। आशिमा को लेके जा यहाँ से। What are you saying? और अगर लड़की का नाम सुनोगे ना तो होश और उड़ जाएंगे। वो जो बच्चों का मास्टर है ना अभिजीत, उसी ने कॉलेज में थियोरी पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारी बहन को प्यार का प्रैक्टिकल दे दिया। और अब नतीजा 9 महीने बाद देख लेना। Damn it, तारा, कितनी मजाल कैसे? और वो दो कौड़ी का प्रोफेसर शिबानी, अगर मैं वहां होता ना मैं उसकी जान ले लेता। और उससे क्या हो जाता? जो कांड करना था दोनों कर चुके हैं। तो अच्छा हुआ आशिमा ने हॉस्पिटल में बात छुपा ली और हम बदनामी से बच गए। वो सब तो ठीक है शिबानी, मगर ये सब उस आशिमा के थ्रू हुआ है और वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अब तो वो बाकी घर वालों की नजरों में और भी चढ़ गई होगी। विक्रम, वो ऑलरेडी चढ़ चुकी है। तुम्हें पता है आज पहली बार गिरीश दादा ने आशिमा का साइड लेके पिशिमा को दो बातें सुना दी। विक्रम, मुझे तो लगता है कि गिरीश दादा पर आशिमा का जादू चल चुका है। बता रहे तो गर्म कर देती ना तो ज्यादा अच्छा। अरे लल्ला, ये छुच्छे भात काहे खा रहे हो? ती दाल पड़ी है और हमरा लल्ला छुच्छे खा रहा है। अब लो, अब खाओ। अम्मा, ये खाना ठंडा करवाना है का? ये काहे का पार पे खड़ा होकर के पंखा झेलाई जा रही है? ये को नजर नहीं आ रहा है कि पीछे पंखा चल रहा है? पगला गई है? खाओ लल्ला, हम भी तो तुम्हारे बाबूजी के लिए पंखा झलते है कि नहीं। टिकट टुकड़ टुकड़ ताके जा रही है हमको। पहले कौन जवान लौंडा नहीं देखी हो का तुम? का हो गया? हाँ, अपने आदमी को देख रही है, कोनो दूसरे आदमी को थोड़ी ना देख रही है। तुम भी जब देखो तब बड़बड़ाते रहते हो, उस पर हरज का है? ए भगुरिया, देखो देखो और देखो। वो जी गाँव में ना सारी औरतें अपने आदमी को ऐसे ही देखती है खाना खिलाते समय। अच्छा, गाँव का बड़ा याद आ रहा है ना तुमको? ऐसा करो झुमकी कि तुम अपना टिकट कटवाओ, ट्रेन पकड़ो और यहाँ से कल्टी हो। लंदन को बता रहे। ए लल्ला, काहे बड़बड़ाते रहते हो? हाँ काहे, तुम चुपचाप खाना खाओ, खाने पे ध्यान ही नहीं है। ए लल्ला, ये काहे डिबिया में? अम्मा, हाँ ये डिबिया में हमारा किस्मत है अम्मा, जानते हो।
एक से बढ़कर एक ललन टॉप फोटो खिंचवाए हम, ऐसी के अंदर है, बस धुलने तक की देरी है, फिर इसको मुंबई भेजेंगे। वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे के सारे हमारे दरवाजे पर आकर के हमको नहीं ले गए तो ले जाएंगे, काहे नहीं ले जाएंगे, हमरा लल्ला है इलाकों में। एक बार रील धुलने तक का देरी है अम्मा, एकदम चकाचक फोटो निकल करके आएगा। रील रखे थे यहाँ, कहाँ चला गया? यहीं तो धरे थे। अम्मा यहाँ रील रखे थे, कहाँ है? तो ये हमसे बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुशबू वाले साबुन से धो रहे हैं इनका रील। अम्मा, अम्मा, हाँ वक्का, हाँ लल्ला, की कहा है? ये अकल के दुश्मन हमारा किस्मत धो दी, देखो क्या कर दी, रील धो दी। क्या की? आप ही ने तो कहा था कि रील धोने से आपका किस्मत चमक जाएगा। हमारा फूटा किस्मत। अम्मा, कहाँ से पकड़ के ले आए इस बेलिया को? ये तुम्हारा देहात नहीं है, जो धोने को बोले तो हाथ में लिए लोटा और चल दिए खेत को। फोटो धुलवाने का मतलब होता है कि दुकानदार के पास जाके, फोटो वाले के पास। ये देख, कहाँ कहाँ किसके सामने अपना माथा फोड़ रहे हम? आए तुमको समझ में आएगा? ये तो आई है इस घर में सारा खबरा खरपट करने को। कहाँ है इतना गुस्सा कर रहे हैं जी, लाइए इसे सुखा देते हैं, ठीक हो जाएगा। हम बता रहे, हम बता रहे, अम्मा समझा ले इसको, हमारा कोहनी उन्हें उड़ जाएगा, हाथ उड़ जाएगा। ए मुन्ना, ए मुन्ना, अरे गुस्सा मत करो, अरे शहर में रहते रहते धीरे धीरे सीख जाएगी बेचारी, भोली है। भोली है ना, सीख जाएगी। ऐसा करो अम्मा, इसको गोदी में बैठा लो और सिखा लो, दिखा लो जितना लाड दिखाना है। तुमसे इस सब धोने को, ए लल्ला उठाओ, प्लीज फोन उठाओ, प्लीज प्लीज कॉल्स पे फोन कर दिया। हेलो हेलो, वहां प्रोफेसर अभिजीत आए हैं क्या? नहीं नहीं कुछ, ओके मैसेज करती हूँ, प्लीज एक बार बात करो। मना किया था ना, मना किया था ना उस लड़की को फोन करने के लिए, समझ में नहीं आता है उस लड़की की हमारी कोई बराबरी नहीं, तारा समझ में नहीं आती एक बात। ऐसा मत कहिए पिशिमा, उससे एक बार मिलिए आप, वो बहुत अच्छा लड़का है पिशिमा। अच्छा लड़का है तारा, तभी उसकी अच्छाई तेरे पेट में पल रही है। समझदार जो उस लड़के से आगे से मिले, और जहां तक उस बच्ची की बात है, वो तुझे गिराना। नहीं पिशिमा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। प्यार करती हूँ पिशिमा, अभिजीत से प्यार करती हूँ, उससे एक बार मिलके तो देखे पिशिमा। अरे हम तो क्या, तू भी उस लड़के से कभी नहीं मिलेगी, तक तेरा अबॉर्शन नहीं होगा, तब तक तू इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा, और तेरी तमीज तोड़ के रख दूंगी। कोई भी सजा देने से पहले एक बार उस बच्चे के बारे में जरूर सोचिएगा, जो बिल्कुल निर्दोष। जिस लड़के ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो उसी लड़के के साथ तारा का रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं। तारा का रिश्ता उस लड़के के साथ कभी
नहीं लगेगा। लेकिन पिशमा तारा अभिजीत से बहुत प्यार करती है। मानती हूँ बहू, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया इस घर की इज्जत बचा। अगर एक सच्चाई और, इतनी बड़ी बात छुपा के तुमने हमसे बहुत बड़ा धोखा किया है, उस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी।